सरकार 35,600 हेक्टेयर बीहड़ व बंजर भूमि को बनाएगी उपजाऊ, खर्च करेगी 125 करोड़ रुपए। राज्य सरकार प्रदेश में बेकार पड़ी 35,600 हेक्टेयर बीहड़ व बंजर और जलभराव वाले 8,250 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने जा रही है। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना से काम कराया जाएगा। इस पर 125.52 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विशेष सचिव कृषि राजीव श्रीवास्तव ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों की या कम उपजाऊ भूमि को उनके द्वारा ही अपने लिए सुधार किया जाएगा। बीहड़ व बंजर और ग्राम सीमा की भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को राजस्व विभाग के सहयोग से आवंटित कराकर या पहले से आवंटित भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। फसल उत्पाद में वृद्धि के लिए कृषि बागवानी और कृषि वानिकी वृक्षारोपण से संबंधित काम किए जाएंगे। जलभराव क्षेत्रों का उपचार कर फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाएगा। दैनिक मजदूरी के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के निवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मनरेगा मजदूरों को लगाया जाएगा। योजना का कार्य क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जिले को छोड़कर अन्य में रहेगा। बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ में केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना संचालित है। इन क्षेत्रों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना क्षेत्र के सभी किसान व किसान मजदूर इस योजना का लाभार्थी होंगे। परियोजना का चयन जल समृद्ध क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा। परियोजना क्षेत्र के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां भू आवंटित अनुसूचित जाति, जनजाति व लघु सीमांत किसानों की संख्या अधिक होगी। परियोजना के तहत सामुदायिक प्रकृति के काम यथावाद निर्माण, सुरक्षित जल निकासी के लिए नाले का निर्माण आदि सामान्य किसानों के खेत आ रहे हैं, तो अपरिहार्य परिस्थितियों में लाभार्थियों के रूप में उन्हें भी शामिल किया जाएगा।